नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी का दुनिया को बड़ा संदेश, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राजभवन प्रांगण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक योग अभ्यास किया। योग मानवता के अनुकूल है, ऐसा सीएम ने कहा है कि ये पूर्वजों और विकसित के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के विजन और प्रयासों का परिणाम है योग, कि आज योग देश भर की जगह अब विश्व स्तर पर भी, विश्व पटल पर भी नजर आ रहा है। भारत की संस्कृति को गौरवान्वित कर रहा है योग, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो आपको बता दें कि आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस वक्त पीएम मोदी ने ये अपील की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाए, जिसके बाद यूएन ने भी इसे स्वीकारा था और विश्व के 118 देशों ने इस चीज को स्वीकृति दी थी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ऐसे में देश भर में योग अभ्यास जगह जगह चल रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धावनत होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 125 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजभवन में लखनऊ में आयोजित सामूहिक योग अभ्यास में शामिल हुए और योग अभ्यास किया। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि योग मानवता के अनुकूल है, जो देश, समाज, काल, परिस्थितियों से बाधित होकर संपूर्ण मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से आज देश भर में जगह जगह योगाभ्यास किया जा रहा है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तब पीएम मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने की अपील यहां पर की थी और उसी दिन से लगातार हर वर्ष हम देखते हैं पीएम मोदी हो या फिर तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो योगाभ्यास करते हैं आज के दिन। आज हालांकि प्रधानमंत्री जहां कश्मीर में है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बढ़ चढ़कर योगाभ्यास आज किया। बिल्कुल भैया, देखिए आज देश के सहित सहित पूरे दुनिया के अंदर करीब 200 ऐसे देश हैं जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और योग दिवस के दौरान अगर आप देखें, क्योंकि भारत से इसकी शुरुआत हुई है और भारत से इसको पहचान मिली है और कहीं ना कहीं इस पहचान में उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका है, क्योंकि सबसे बड़े राज्य के तौर पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश आता है। ऐसे में योग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही सभी तैयारियां जो थी वो पूरी करी गई थी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि सभी जगह पर जितने भी प्रदेश के प्रणालिक स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं या फिर जो प्राचीन स्थल हैं, उन सभी जगहों पर योग जो है वो होना चाहिए। और इसीलिए आज एक साथ पूरे प्रदेश की जो तस्वीर है वो देखने को मिली, चाहे अधिकारी हो, चाहे युवा हो, या फिर मंत्री हो, नेता हो, सभी एक साथ योग करते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सुबह सुबह राजभवन पहुंचे, वहां पर उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ में जो है वहां पर योग करते हुए नजर आए। और उस दौरान बड़ी संख्या में जो कर्मचारी थे, जो अन्य अधिकारी थे, वो भी नजर आए, वो लोग भी योग करते हुए नजर आए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अपने संबोधन के समय में योग के किस तरीके से फायदे हैं, योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर करता है उसके उन्होंने जो है वहाँ पे उसके फायदे बताते हुए वो नजर आए। भारत ने कैसे योग को पहचान दी है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को जो पहचान मिली है उसमें यूपी की और देश की कितनी बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी और आज ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो पूरे भारत के सहित अन्य देशों में भी मनाया गया। तो इन सब चीजों का कैसे लाभ है, किस तरीके से कोरोना के समय में जब कोविड का समय आया तो उस वक्त किस तरीके से योग ने लोगों को निरोग किया, तो ये सारी चीजें जो सारे फायदे रहे हैं उस तो सबका कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए सीएम योगी आज साफ नजर आए जब उन्होंने संबोधन किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योग सभी को करना चाहिए। योग के जो अनगिनत फायदे हैं, जिस तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, सभी को वो एक साथ लेकर चलता है और उनका साफ तौर पर फायदा मिलता है। और इसीलिए आज आप देखें तो पूरे प्रदेश के अंदर जो तस्वीर है वो देखने को मिली, काशी के अंदर से काफी मनमोहक तस्वीर जो है वो आज देखने को मिली, जहां पर नावों पर भी लोग जो है योग करते हुए नजर आए, सभी घाटों पर एक साथ जो है वो योग किया गया। और काशी इसलिए भी सबसे अहम हो जाता है क्योंकि वहां कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री का भी जो है वो संसदीय क्षेत्र है, इसके अलावा जो आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश के वो काशी से आते हैं और काशी अपने आप में एक प्राचीन शहर के तौर पर है, प्राचीन वहां पर जो उसकी इमारतें रही हैं वो कहीं ना कहीं तो उसको ध्यान में रखते हुए वहीं से योग की शुरुआत हुई थी और इसलिए वहां पर विशेष तौर पर आज योग के कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए। उसी तरीके से आप देखें प्रदेश के हर जिले में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज योग किया है और उन्होंने बताया है कि भारत की जो संस्कृति है उसको कितना गौरवान्वित करता है ये योग और जिस तरीके से उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ने पहुंचाया है तो उससे किस तरीके से आम लोगों को फायदा हो रहा है। बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से जब बात योगा की करें क्योंकि भारत को एक तरह से अब योग का सेंटर के रूप में हम देख सकते हैं क्योंकि यहीं से योगा की शुरुआत हुई थी, योगा की जननी जो है वो भारत है। ऐसे में हमारी विरासत को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से इंटरनेशनल या विश्व पटल पर इसे ले जाया गया, जैसा आपने भी बताया 200 से ज्यादा देश आज 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और खासकर जब बात उत्तर प्रदेश की, इसलिए क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य ये। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आज सुबह सुबह योग अभ्यास किया कई सारे लोगों के साथ और कहीं ना कहीं जिस तरह से योगा को विश्व में एक पहचान देने का इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने काम किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत को एक योगा के हब के रूप में विकसित करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए इसका काफी बड़ा योगदान है। शुरुआत इसकी जो है वो महर्षि पतंजलि की तरफ से योग की शुरुआत करी गई थी और वो वाराणसी से आते थे यानी कि काशी से आते थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, यूनाइटेड नेशन में इसको बाकायदा जो है सभी देशों ने इसका समर्थन किया, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं भारत की जो प्राचीनता है, भारत की जो कह सकते हैं आधारशिलाएं हैं उनको साथ में लेकर किस तरीके से यानी कि विरासत भी और विकास भी जो सरकार नारा देती है उसको कैसे लेकर चलना है। और इसीलिए मुख्यमंत्री का भी जो संबोधन था उन्होंने कहा कि संपूर्ण मानवता के लिए कल्याण के लिए जो है ये योग सबसे अहम साबित हो सकता है और इसलिए आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखें तो योग लोग कर रहे हैं, योग के अनगिनत फायदे हैं और किस तरीके से योग की वजह से भारत को एक विशेष तौर पर कह सकते हैं पहचान मिली है यहाँ से अलग अलग तरीके से, तो लोग ये हर एक चीज का कह सकते हैं साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने भी फायदा गिनवाया और कहीं ना कहीं उससे जिस तरीके से आम लोगों की सेहत बेहतर हो रही है क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा धन कहा गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य अगर आपके पास में है, आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे ज्यादा धनवान हैं और उसमें सबसे अहम जो भूमिका है वो आपका व्यायाम योग जो है वो निभाता है। ऐसे में योग को लेकर जिस तरीके से भारत ने पहल करी और उसको आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है तो वो कहीं ना कहीं भारत की प्राचीनता को, भारत की जो विरासत रही है उसको कहीं ना कहीं एक विश्व के पटल पर जो है पहचान देने का काम करता हुआ योग नजर आ रहा है। प्रेम साथ ही अगर बात करें क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा हल्का बहुत सुहावना है, किस तरह से आगे इस दिन को और ज्यादा अच्छी तरह से मनाने की क्या कुछ तैयारियां उत्तर प्रदेश में, किस तरह से योग दिवस को मनाया जा रहा है? देखिए योग दिवस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही अधिकारियों के साथ में बैठक करी गई थी और उन्होंने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को विभागों को निर्देश दिए थे कि वो सभी जगहों पर योग का आयोजन करें, सभी जिलाधिकारियों को इसको लेकर जो है वो निर्देश जारी किए गए थे और आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी जगहों पर योग जो है वो योग शिविर जो कह सकते हैं उसका आयोजन किया गया। सभी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, युवा हो, स्कूल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको इसमें शामिल किया गया था कि बच्चों के जरिए मैसेज आम लोगों तक पहुंचाया जाए कि वो सभी लोग योग करें और योग के जो अनगिनत फायदे हैं उसका वो लाभ ले सके। तो बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां की गई थी, जितने भी प्रदेश के प्रणालिक स्थल हैं या फिर जो है प्राचीन स्थल हैं, धरोहर हैं, उन सभी जगहों पर इसका आयोजन करने के निर्देश दिए गए थे। ठीक उसी तरीके की तस्वीर लखनऊ में भी देखने को मिली, राजभवन हो, रेजिडेंसी पार्क हो या फिर अन्य जगह, सभी जगह पर जो लोग हैं वो योग करते हुए नजर आए हैं, पार्कों के अंदर, मंदिरों के अंदर,
जहां पर भी इस तरीके की जगहें हैं जहां पर योग किया जा सकता है, तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो योग करते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भव्य दिव्य आज योग दिवस जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और उसके पीछे की वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही इसको लेकर सभी दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए थे प्रदेश के सभी अधिकारियों को। बिल्कुल, यानी देश भर में आज जगह जगह योग अभ्यास किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और प्रियम, खास बात ये भी, जिस तरह से जो मूल मंत्र है, परंपरा भी, विरासत भी और विकास भी, इस मूल मंत्र के साथ जो सरकार है वो आगे बढ़ते हुए, और उसका एक स्वरूप हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से, और देश भर में ये हो रहा है, अलग अलग जो मुख्यमंत्री है वो ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस परंपरा को कायम रखते हुए आज उन्होंने भी योगाभ्यास किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियम, जानकारी साझा करने के लिए। वहीं मेरठ पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने, से इंडिया वॉइस की टीम ने खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ कहा धर्मपाल सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह जी, और उनसे बात करते हैं क्या कुछ व्यवस्था की गई है और क्या कुछ करने वाले हैं। आप भ्रमण करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बरसात का समय आने वाला है, तो नाले नालियां साफ हो, ओवर फ्लू ना हो पावे, और मच्छर इत्यादि जो संक्रामक रोग फैलते हैं गंदगी के कारण, उनसे बचाव हो सके, इसलिए हम नगर भ्रमण पर अपने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ जा रहे हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपका पहला मेरठ दौरा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं मेरठ आगमन पर पहली बार चुनाव के आचार संहिता के बाद बधाई देना चाहता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि देश भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा में अग्रणी होगा। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह जी, उनका कहना है कि हम लगातार भ्रमण करने के लिए तैयार हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सफी। तो देश भर में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, बड़ी खबर आपको बता दें, योग कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। 8000 लोगों के साथ पीएम मोदी ने डल लेक के पास बने कन्वेंशन सेंटर में योग अभ्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया के नेता अब योग की बात करते हैं। जर्मनी में 1.5 करोड़ योग ट्रेनर है और सऊदी में भी योग अब शिक्षा का हिस्सा है। योग टूरिज्म का ट्रेंड भी इस दौरान चल रहा है। योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे हैं लोगों को, कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था, और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आपको ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है।
आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए भारत में ऋषिकेश काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है, मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान एपरल्स इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जब तक सुनवाई लंबित तब तक स्टे रहेगा। साफ तौर पर हाईकोर्ट का यहां पर फैसला आ गया है कि जब तक इस मामले में सुनवाई चलेगी तब तक जो फैसला है उस पर स्टे रहेगा। आज तिहार से केजरीवाल की रिहाई पर सस्पेंस जो है बरकरार है। यानी केजरीवाल, बीते दिन हमने देखा किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिलते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, जिसके बाद यही माना जा रहा था कि आज केजरीवाल की रिहाई हो सकती है। वहीं अब इस मामले पर ईडी ने साफ तौर पर जो है हाईकोर्ट का रुख यहां पर किया है, हाईकोर्ट ने मामले पर स्टे लगा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज तिहाड़ से केजरीवाल की रिहाई पर सस्पेंस बरकरार है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक मामले में सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक स्टे रहेगा। यानी अभी मुश्किलें यहां पर एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से यहां पर झटका लगा है। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, यानी सुनवाई पूरी होने तक इस मामले पर अभी रोक है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा यहां पर रुक कर लेते हैं आदित्य का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, जिस तरह से बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी, लड्डू बटने लगे, आम आदमी पार्टी दफ्तर में खुशियां मनने लगी, अब हाईकोर्ट का यहां पर ईडी ने रुक किया। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर फैसले पर, जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी। एक बार फिर से खेला हो गया है। जी, आपको बता दें कि ये इस वक्त की जो है सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ ही आपको बताएं कि जैसे कि आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, सभी के बीच खुशी का माहौल था क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत मिल गई थी। बीते रात की बात है, 8 बजे जैसे ही ये खबर निकल कर आती है कि जमानत मिली है, वैसे ही माहौल बदल गया। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता माहौल जो हो गया पटाखे फूटने लगे। लगातार जो है तमाम बड़े नेताओं के, आम आदमी पार्टी के विधायकों के बयान आने लगे, लेकिन आज की सुबह सभी को रात का इंतजार था कि ये रात खत्म हो और अगले दिन केजरीवाल जब बिहार से बाहर निकले। लेकिन आज एक बड़ा अपडेट ये हो गया है कि हाईकोर्ट ने उनके जमानत पर रोक लगा है कि जब तक जो है ये सुनवाई चलेगी तब तक फिलहाल जमानत पर रोक है। लेकिन अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि सुनवाई जो है लगातार चल रही थी। लेकिन कल शाम से ही ये खबर आ रही थी कि हो सकता है ईडी हाईकोर्ट में अपील कर सकती है जमानत के विरोध में, और ऐसा ही क्योंकि ईडी ने जो है इसमें अपील दायर की और कहा कि ईडी की तरफ से ये बात कही गई कि हमारा पक्ष सुने बिना ही उन्हें जमानत दे दी गई। हालांकि कल जो है पूरी तरह से बहस चली और उसके बाद जमानत भी दी गई, और आज काफी अहम होने वाला था
सारे लोग खुशियां मना रहे थे जिस तरह से कल, क्योंकि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात की उम्मीद थी कि राउज एवेन्यू कोर्ट उन्हें जमानत दे देगी, क्योंकि आमतौर पर यही देखा हमने कि पहले राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक ही बार में यहां पर अरविंद केजरीवाल को कल जो है बीते दिन जमानत दे दी। उसके बाद जो दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से रखी गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि ईडी के पास कोई भी सीधा सबूत नहीं है, ना ही मनी ट्रेल है, जिस आधार पर जमानत मिल गई। अब क्योंकि हाईकोर्ट का यहां पर रुख किया गया, हालांकि हाईकोर्ट ने फिलहाल जो है जमानत पर रोक लगा दी है, लेकिन क्या माना जाए, क्या सुनवाई के दौरान फिर से संभव है कि फिर से फैसला केजरीवाल के पक्ष में यहां पर आ सकता है, कितनी संभावना इसकी? ये आपको बता दूं कि इस वक्त है ये सुनवाई जो चल रही थी, तो उसमें भी जो है केजरीवाल के वकील के तरफ से जो है उनकी लीगल टीम के तरफ से कहा गया था कि ये जांच अंतहीन है, क्योंकि ईडी के पास सबूतों का अभाव है, सबूत नहीं है, इसीलिए जांच अंतहीन है, लंबी जांच काफी जा रही है, इतने लंबे समय से केजरीवाल जो है जेल में है और ईडी सबूत प्रस्तुत नहीं कर पा रही है, तो इस बात का जिक्र भी किया गया था। हालांकि अब जब राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो है उन्हें जमानत दे दी गई, तो ईडी जो है इस बात को लेकर हाईकोर्ट का रुख करती है, और हाईकोर्ट द्वारा जो है वैसा ही हुआ जैसा कि ईडी की बात चल रही थी, ईडी की जैसी अपील थी, और उसी तरीके से जो है हाईकोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है। हालांकि तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही थी, संविधान की जीत हुई, न्याय की जीत हुई, न्याय मिलेगा, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है आ रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी, लड़की बटे थे, लेकिन यहाँ पर अब ईडी ने जब एक्शन लिया, ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया, तो हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल कितनी दिनों तक चलेगा, क्योंकि आपको बता दें कि सुनवाई और जांच इस मामले में लगातार चल रही थी, तो जांच लंबी चल रही है, तो उतने दिन अभी फिलहाल तो सीएम केजरीवाल का इंतजार और लंबा हो सकता है, जो इंतजार आज ही खत्म होने वाला था वो इंतजार यहाँ पर लिया। बिल्कुल आदित्य, एक बार फिर से यहाँ पर खेला हो गया, क्योंकि बीते दिन हमने देखा किस तरह से मिठाइयां बटने लग गई थी, जश्न बनने लग गए थे, आम आदमी पार्टी के नेता इसे अपनी जीत मान रहे थे, और आज फिर हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो है उनकी जमानत पर यहाँ पर स्टे लगा दिया। हालांकि अब आगे की सुनवाई में क्या कुछ होता है, सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आता है, केजरीवाल को राहत यहाँ पर मिलती है या फिर मुश्किलें बढ़ती है, उस पर सभी की निगाह है। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।